ये चश्मे वाले भैया जिसको आप देख रहे हैं वीडियो में, इन्होंने इंसानियत का सबूत दिया है। इन्होंने मीडिया वालों को रास्ता दिखाया है। इन्होंने कहा कि हिंदू बहन को, हमारी हिंदू बहन को घसीट कर ले गए हैं, ये कहाँ की इंसानियत है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में इन्होंने क्या कहा है, स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, राष्ट्रपति बैठा हुआ है, गृह मंत्री बैठा हुआ है, जब सबको हिंदू बैठा हुआ तो हिंदू बहन के साथ ऐसा नाइंसाफी क्यों हुआ? क्यों उसको घसीट के लेकर के गया? सीरीज दिखा रहा है, वेब सीरीज में क्या हो रहा है? किसी का बहू किसी का साथ, किसी का दामाद किसी का साली के साथ, ये सब क्या हो रहा है? आप तो माइंड को पूरा डाइवर्ट कर दे रहे हैं। आप क्या संस्कृति का बात कर रहे हैं? कौन सा संस्कृति? आप कौन सा धर्म का बात कर रहे हैं? हम जो सनातन धर्म को जानते हैं ना, अतिथि देवो भव, पूरा दुनिया पूरा विश्व एक परिवार है, ये जानते हैं हम। क्या नाम है, कहाँ से आए? My name is Irfan. I'm basically from Tata Nagar, Jamshedpur. I'll study in Bangalore. I'm IT student. काफी प्रोफेशनल लगते हैं आप। Thank you so much. चश्मा लगाया, टोपी पहने, एकदम आपको एकदम। I'm not a Hafiz. I'm not Kari. I'm not Mufti. I'm nothing else. I'm only one thing. You know what? Muhammad sallallahu taala ala Muhammad. Uska ummat, ummati. You know ummati? वही है हम। धर्म बनाए संविधान। देखिए आप जो जो अभी टॉपिक उठा रहे हैं उस टॉपिक में मत जाइए। नहीं मत जाइए, अभी संविधान का तो गला घोट दिया कल। आप क्या बात कर रहे हैं? मेरी बहन लोग को घसीट घसीट करके लेकर के जा रहा था, तो कहाँ थे आप? कहने पूछ लिया कि ये तो हिंदू है, ए हिंदू प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, राष्ट्रपति बैठा हुआ है, गृह मंत्री बैठा हुआ है, जब सबको हिंदू बैठा हुआ तो हिंदू बहन के साथ ऐसा नाइंसाफी क्यों हुआ? क्यों उसको घसीट के लेकर के किया गया? क्या क्या किसी का वो क्या करके आई थी? मर्डर करके आई थी, चोरी करके आई थी, क्या करके आई थी? करप्शन करी हुई थी, हजारों करोड़ नीरव मोदी को देके भेज दी थी, मेहुल चौकसी को देके भेज दी थी, विजय माल्या को ही बाहर भेज दी थी, किस क्या करी थी वो? अरे वो तो हम लोग को रिप्रेजेंट करी थी, गोल्ड मेडल लेके आई थी। थूक चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर जिंदा हो तो अपना जिंदा होने का सबूत दो, अगर मर गए हो तो कोई बात नहीं, अल्लाह से दुआ करेंगे तुम लोग का आत्मा को शांति दे। आपने समर्थन देके जिंदा होने का सबूत भी दिया, फिर भी ब्रिजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया। देखिए ब्रिजभूषण से मेरा कोई जाति दुश्मनी नहीं है, हम उनका बारे नहीं जानते हैं कुछ भी, लेकिन हम इतना जानते हैं कि कोई अगर व्यक्ति किसी के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाया है, जब उनके ऊपर पॉक्सो का एक्ट लगा है, जब उनके ऊपर धारा लग चुका है, तो भाई जब आम आदमी को आप कुत्ता जैसे घसीट के लेके चल जा रहे हैं तो फिर उसको क्यों? आपको क्या लगता है देश में दो कानून है? एकदम है, हम लोग को तो बिना पूछे अंदर कर दिया गया था गाजीपुर बॉर्डर में किसान आंदोलन में। मेरा पिताजी, मेरा माँ, सब पूरा परिवार आके मेरे को छोड़ा करके लेके गया था वहां। कौन किसान आया था मेरे को छोड़ाने के लिए? कोई नहीं आया था, लेकिन हमको मालूम है नस्ल और फसल का लड़ाई हो रहा है, नस्ल और फसल का। आज वर्ल्ड में हाईएस्ट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री कौन सा है? पॉर्न इंडस्ट्री, ब्लू फिल्म का इंडस्ट्री, वो अभी तो कहीं से ऑपरेट हो रहा है, अपने आप चल रहा है क्या? सेकेंड नंबर में जो इंडस्ट्री है वो कौन सा है? ड्रिंक इंडस्ट्री, दारू का इंडस्ट्री, हम लोग का गवर्नमेंट खुद लिख के बेच रहा है, सरकारी शराब का दुकान, विदेशी शराब का दुकान। और ये लोग वेब सीरीज दिखा रहा है, वेब सीरीज, पहले मूवी दिखाया, सीरियल दिखाया, अभी वेब सीरीज दिखा रहा है। वेब सीरीज में क्या हो रहा है? किसी का बहू किसी के साथ, किसी का दामाद किसी का साली के साथ, ये सब क्या हो रहा है? आप तो माइंड को पूरा डाइवर्ट कर दे रहे हैं। आप क्या संस्कृति का बात कर रहे हैं? कौन सा संस्कृति? आप कौन सा धर्म का बात कर रहे हैं? हम जो सनातन धर्म को जानते हैं ना, अतिथि देवो भव, पूरा दुनिया पूरा विश्व एक परिवार है, ये जानते हम। मोदी जी भी कहते थे कि मेरा परिवार है। अरे तो हम मोदी जी तो ये भी बोले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी पढ़ लिख ली, गोल्ड मेडल लेकर के जब आ जा रही है तो उससे बात करने के लिए भी उनका पास टाइम नहीं, लेकिन G20 G7, अरे कोई जी आपको नहीं बचाएगा। तो हम एक बात बता दे रहे हैं, 100 सोनार का 1 लोहार का, सुने ना कहावत, 100 सोनार का 1 लोहार का। तो हम लोग का जो बाप था ना, बाप ठोक करके गया वो किला, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ठोक के गए, और किसी माई का लाल में इतना ताकत नहीं है हम लोग का जीते जी उसको निकाल दे। और गौतम बुद्ध को मालिक यही धरती में भेजा था, कौन? मेरा बिहार में भेजा था, बोध गया बिहार में पड़ता है, ठीक है ना? नहीं माना, वो क्या बोले, मालिक एक है, सब कोई मालिक नहीं, मालिक एक है। इन लोग का दुकान बंद हो रहा था, इन लोग का दुकान चला रहा ना,
मालिक का नाम का जो ठेका चला रहा है सब बंद हो रहा था, घबरा गया तो यहाँ से निकाल दिया। 2500 साल पुराना तारीख है, 2600 बहुत ज्यादा नहीं पुराना है, ठीक है, यहाँ से निकाल दिया। देखिए जो निकाला तो एक्सेप्ट जो किया है कौन है, चीन, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, थाईलैंड, आज क्या द सोल सुपर पावर इन द वर्ल्ड यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कहीं नहीं है भाई, कहीं नहीं है। उसको भी हेला बहुत पता है, उसका गलत फहमी हेला दूर हो गया। आपको क्या लगता है कि भारत को बुद्ध में ही होना चाहिए? बेशक, बाबा साहब क्या बोले थे, 2 साल में हम भारत को बुद्ध में बनाएंगे, 2 महीना जिंदा नहीं रहने दिया। उस टाइम क्या बीजेपी था, कांग्रेस। चश्मे वाले भाई ने तो कमाल ही कर दिया। प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, न्यू चैनल है, प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। चश्मे वाले भैया की अगर आपको बातें पसंद आई हो तो लाइक करना, और ऐसी रिएक्शन वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हो सके तो शेयर भी जरूर करना। तो वही शख्सियत है जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो हम लोग के लिए लड़ते लड़ते खुशी खुशी शहादत दे दिए। ये लोग नेता नहीं है, ये लोग दलाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी का दलाल है, और हम ये दलाल लोग से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं।